फ्रेंड्स, हमने पहले पार्ट में आयु संबंध के कुछ टाइप किए थे, उसमें से हम तीन टाइप कर चुके हैं और अब हमारा चौथा टाइप आ गया है जो अनुपात पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम देखते हैं इन पे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ए व बी की आयु का अनुपात 5:4 है, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था, कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी आयु का अनुपात इतना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयु का अनुपात दिया गया है वो हमारा वर्तमान में अनुपात दिया गया है। तो ये जो है ये सारा काम वर्तमान में है और इनका अनुपात हमें ये दिया गया है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो ये जो अनुपात दे रखा है ये अनुपात 2 वर्ष पूर्व का है। ये 2 वर्ष पूर्व का है, तो आइए हम देखते हैं कि ए का इस समय आयु कितनी होगी। तो ए की आयु निकालने के लिए हम करते क्या है, इसको यूनिट्स के हिसाब से लगाएंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं। तो देखिए जरा, इसका गुणा करने पे 15 और इसका गुणा करने पे 16, तो दोनों को घटाएंगे तो हमारा आएगा 1 यूनिट, और वो यूनिट हम करते क्या है कि इसके अंतर और इसके गुणनफल के बराबर कर देते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पे कितना इसका अंतर आ रहा है, 1, और यहाँ पे ये 2 वर्ष पूर्व है। हालांकि होता है यहाँ पे ये है कि आप जहां से स्टार्ट किए हैं और जहां पर खत्म हो रहा है वहां तक का एज जो मतलब उसने जितने वर्ष पूरे किए हैं वो आप यहाँ रखेंगे। और आप इसमें एक चीज जरूर ये याद रखेंगे कि भाई अगर आप आपको पूर्व देता है या आपको कहता है कि 4 वर्ष बाद, तो आप करेंगे क्या कि हमेशा आप वर्तमान ही निकालना, क्योंकि इससे होगा क्या कि वर्तमान जब आप निकालेंगे तो आगे और पीछे जाने में आसानी रहती है। मतलब ये कि आप आराम से पूर्व में, आराम से बाद में भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम प्राथमिकता यही रखेंगे कि भाई हम क्या करें, वर्तमान की आयु को ही ज्यादातर निकालें। तो हमारा यहाँ 1 यूनिट का मान 2 आ चुका है, और 1 यूनिट का मान जब 2 के बराबर है तो आप यहाँ से वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। देखिए जरा ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए की जो वर्तमान आयु है वो होगी 5 × 2, तो यहां पे आ जाएगा 10 वर्ष। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ए की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। अब आप ये कभी मत कर देना कि भाई यहां पे 1 यूनिट का मान 2 आ गया है, तो हम चाहें तो भाई यहां 4 में गुणा करा दें 2 का और कह दें कि 8 वर्ष का ए होगा 2 वर्ष पूर्व, तो इस समय 6 वर्ष का, जबकि ये गलत होगा। क्योंकि आप यहाँ ये याद रखें कि जिसका आप डिफरेंस निकाल रहे हैं उसमें आप कभी गुणा नहीं कराएंगे, आपको हमेशा प्राथमिकता रखनी है वर्तमान की, तो इसलिए वर्तमान में ही आप इसका गुणा कराएं। और इस तरीके से हमारा ए इतना आ चुका है। अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है कि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात इतना हो जाता है। तो उसने ये पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी। तो आइए इसको करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे पिता और पुत्र की बात की गई है, तो हम कहेंगे फादर एंड सन। वर्तमान में आयु दी गई, इनके अनुपात दिया गया है आयु का इतना, ये वर्तमान में है। इसके बाद 5 वर्ष बाद उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो 5 वर्ष बाद इनका अनुपात ये दे रखा है, ये 5 वर्ष बाद का है। तो हम उसी मेथड से इसको भी करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 9 और 7 इनका डिफरेंस 2 यूनिट, और ये वर्तमान से 5 वर्ष बाद यानी 5 साल का गैप रहा तो 5, और इसका डिफरेंस तो ये 4, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 20 के बराबर।
तो 2 से 20 को कट करेंगे तो एक यूनिट जो निकल के आएगा वो हमारा आ गया 10। अब आप फादर की प्रेजेंट आयु निकाल सकते हैं और सन की भी प्रेजेंट आयु निकाल सकते हैं। तो उसने हमसे ये पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व में कितनी होगी, तो हम प्रेजेंट निकाल लें उसमें 5 घटा देंगे। तो फादर की जो प्रेजेंट आयु है वो है 10 × 3 यानी इतने वर्ष। 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, तो 5 वर्ष पूर्व ये हो गए -5 इतने वर्ष। तो इस तरह से इसका आंसर 25 वर्ष आएगा। आइए अब करते हैं पांचवे टाइप को, और पांचवे टाइप में हम सीखेंगे गुना पर आधारित क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि अनुपात और गुने में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जैसा कि आप पहले पार्ट में देख चुके हैं कि गुना को और अनुपात को किस तरीके से लिखा जाता है, तो आइए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर उसने कहा है कि ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, तो ए की आयु जो है वो बी की आयु की दोगुनी है, कर दिया हमने दोगुना। और ये जो दिया गया है जब कुछ ना कहे तो इसका मतलब होता है ये सारा काम वर्तमान में हो रहा है। कह रहा है कि 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो 4 गुनी थी बी की आयु की। देखिए जरा 4 गुना हो गया, ये 1 का 4 गुना ये, तो ये कब, 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। और उसके बाद हम वही इसका इसमें गुणा करके डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा हमारा 2 यूनिट, और यहां पे इसका डिफरेंस 3 और ये 8, तो आ गया 2 यूनिट बराबर ये 24। इसको आप कट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1 यूनिट का मान 12। अब आप यहां से क्या कीजिए, वर्तमान में बी की आयु निकाल लीजिए, तो वर्तमान में जो बी की आयु होगी वो यही होगी क्योंकि 1 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये 12 वर्ष का ही होगा वर्तमान में। अब हमसे कहा गया है कि भाई 8 वर्ष बाद बताइए, तो जो 8 वर्ष बाद की बात है वो हो जाएगा 12 + 8, तो ये आ जाएंगे 20 वर्ष। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि बी की आयु 8 वर्ष बाद 20 वर्ष होगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, उसने कहा है कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी, यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की आयु वर्तमान में कितनी होगी, ये पूछा उसने। तो आप देख लीजिए जरा, रोहित और मोहित, रोहित जो है वो रोहित से दोगुने थे, कब, 10 वर्ष पूर्व में। और अभी कह रहा है कि 10 वर्ष बाद यदि मोहित की आयु इतनी हो, तो जरा आप यहां देख लीजिए कि अगर 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 है, 40 वर्ष है, तो वर्तमान में कितनी रही होगी, वर्तमान में रही होगी 30, और अगर उससे भी हम 10 वर्ष पहले आए तो रही होगी 20। इसका मतलब यह हुआ कि आप सीधा सीधा यहां से अगर यहां आते हैं तो आपको इसमें 20 घटाना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु 40 - 20 यानी 20 इतनी रही होगी। तो देख लीजिए जरा, अगर मोहित 10 साल पहले 20 वर्ष का रहा है तो एक यूनिट का मान 20 हो गया, तो यहां पर रोहित कितने का रहा होगा, तो हम कहेंगे 2 × 20, तो यहां से हमारा ये आ जाएगा 40 वर्ष। लेकिन देखिए
ये जो आयु रोहित की निकल के आई है ये 10 वर्ष पूर्व निकल के आई है, जबकि रोहित की आयु हमें वर्तमान में बतानी थी। तो रोहित की वर्तमान आयु जो होगी वो होगी 40 प्लस 10, यानी 50 वर्ष का होगा रोहित। तो इस क्वेश्चन का आंसर 50 होगा।